सुबह उठते ही देखता हूँ कि प्रिंसेस और प्लूटो देखो कैसे सो रहे हैं, ये कौन सी स्टाइल में सो रहे हैं आज, ये सही है। फिर मैं पपीज को खाना खिलाने जाता हूँ, अब बेचारे यही रह गए हैं। देखो छिपकली और टिमटिप कितने समझदार हैं, पपीज के खाने को छेड़ नहीं रहे हैं। इन दोनों पपीज का नाम भी नहीं रखा है अभी हमने। फिर घर को आता हूँ, घर आते ही महाराज जुपिटर मिलने आते हैं। फिर मैं अपने मोबाइल को सही कराने अपनी हायबुजा उठाकर मार्केट जाता हूँ, तो रास्ते में ये पपी कार के आगे आने से बच जाता है, इसको साइड में रखकर आता हूँ। देखो ये दोनों भाई भाई हैं, ये इन भैया ने पाल रखे हैं, ये दोनों यही दुकान में रहते हैं, इनका नाम टोमी और जोनी है। फिर मार्केट पहुंचकर अपना फोन सही कराता हूँ, फोन में नई डिस्प्ले और स्पीकर डले हैं। फिर घर को आता हूँ, घर आते ही देखता हूँ प्रिंसेस ने गमला तोड़ दिया है और पौधा तोड़कर बाहर निकालकर फेंक दिया है, तो फिर इसको पकड़कर समझाता हूँ, बेटा ऐसे नहीं करते हैं वरना मम्मी पिटाई भी कर देंगी। फिर एक सूखे हुए पेड़ की लकड़ी को हम ऊपर चढ़ाते हैं और देखो प्लूटो भी ऊपर खिंचवाने में हेल्प करने आया है। बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार लकड़ी को ऊपर चढ़ाई देते हैं। लकड़ी तो हमने चढ़ाई है और थक गई है कांता भाई, देखो कैसे आराम फरमा रही है। आपसे नेक्स्ट।